आप देख रहे हैं BHBC News। आपने ऐसी कई हवाई लैंडिंग देखी होगी जहां पायलट को लैंडिंग के वक्त मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक पायलट के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत लैंडिंग के वक्त ही आती है, क्योंकि प्लेन में बैठे सभी यात्रियों की जान पायलट के हाथ में ही होती है। अगर जरा सी भी लैंडिंग में ऊंच नीच हो जाए तो उसका नतीजा सभी को भुगतना पड़ता है। पर क्या आपने कभी ऐसी लैंडिंग देखी है जहां प्लेन को रोड पर ही चलती गाड़ियों के बीच लैंड कराया गया हो? बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे मिलियन व्यूज भी मिल चुके हैं। वीडियो कनाडा का बताया जा रहा है कि जो क्यूबेक सिटी का है, जहां एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और कारों के बीच विमान को उतारना पड़ा। उसके पीछे ही एक कार में बैठे युवक ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो कि अब वायरल हो गया है। घटना वहीं पास ही के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। पायलट ने राजमार्ग पर लैंडिंग की अनुमति पहले ही क्यूबेक सिटी अग्निशमन विभाग से ले ली थी, जहां पायलट को बहुत ही सतर्कता के साथ प्लेन को लैंड कराना था। प्लेन की टेल के साथ एक कार की टक्कर भी हुई, पर ज़्यादा कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिससे पायलट ने भी सही तरीके से प्लेन को राजमार्ग पर लैंड करा दिया। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह विमान में तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जिससे पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जो कि बहुत ही जोखिम भरा है। बता दें कि कनाडा में ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है, पर शायद ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग कराना एक पायलट के लिए बेहद मुश्किल होता है, जो कि बहुत ही जोखिम भरा होता है। आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।